नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं पीवीसी बोर्ड की कटिंग और उसकी वायरिंग। तो चलिए हम देखते हैं। यह है स्विच 16 एम्पियर, इसको पहले बोर्ड को पलट के सजा लेंगे। जैसे हमें स्विच सॉकेट को लगाना है उसे पहले रख के दाग लगाएंगे। ये फ्यूज है, इंडिकेटर, इस तरह से सबको हम सजा लेंगे। और पेंसिल की मदद से पहले इसमें दाग लगा लेंगे हम, ठीक है। पहले दाग लगा लेंगे जितने हमें काटने हैं, इस तरह से अंदर की साइड से दाग लगा लेंगे। इस कटर से आज देखिए हम कैसे कटिंग करते हैं। कटिंग करने से पहले इसके नीचे एक पन्नी लगा लेंगे ताकि ये गंदा ना हो, ना दाग आए इस पर। इस तरह से पन्नी, हम कोई सा भी पन्नी लगा लेंगे नीचे। आइए हम इसकी कटिंग करते हैं, देखिए हम कैसे कटिंग करते हैं। पहले इस तरह से हल्के हल्के पेंसिल से जो हमने दाग लगाया है उस पर कट कर लेंगे हल्के हल्के। कट हमें करना है चारों तरफ से, ठीक है। चारों तरफ से कट कर लेंगे। इस तरह से इधर से भी हम कर लेंगे कटिंग। इस प्रकार ऐसे हम दो से तीन बार कट करेंगे और एक कट हम जहाँ हमने काटा है उससे थोड़ा अंदर की ओर से करेंगे ताकि इसके बीच का पीवीसी निकल सके, आसानी से कट के निकल जाए बाहर। इस तरह से चारों तरफ से काट लेंगे। ये हम बीच का इसके पीवीसी निकालेंगे इस तरह से, देखिए। ऐसे चारों तरफ से कट कर लेंगे, अंदर के साइड से भी करेंगे थोड़ा सा अंदर। दोस्तों ये कट हम बहुत धीरे धीरे हैमर चलाएंगे ताकि बोर्ड फटे ना, क्योंकि ये पीवीसी का है, इस तरह से निकल जाएगा। इसी तरह आराम आराम से सबको काटना है जहाँ हमने पेंसिल से दाग लगाए हैं, इस तरह पूरे काट लेंगे। देखिए हमने आपको थोड़ा थोड़ा दिखाया है ताकि आपका कीमती समय बचे। इस तरह से इसको भी निकाल लेंगे।
उसके बाद 16 एम्पियर स्विच का जो हमने दाग लगाया था उसको भी इसी तरह काट के निकाल लेंगे। अब इंडिकेटर को काटेंगे। हल्के हल्के मारते जाना, हल्के हल्के हैमर से ये आराम से कट के निकल जाएगा। अब इसे लगा के एक बार देख लेना है। ठीक, पहले तो इसके साइड का थोड़ा सा और कटिंग करनी है। जो हमने दाग लगाया था इस तरह से गोल दोनों तरफ से कटिंग कर लेनी, क्योंकि स्विच भी उसी प्रकार है। ये देखिए आराम से लग जा रहा है। थोड़ी सी और फ्रेश कटिंग करेंगे ताकि हमें इसको सीधे रखने में जैसे चाहे वैसे रख लें। देखिए ये हमारा स्विच लग गया है। अब इसे जैसे चाहेंगे वैसे सीधा कर लेंगे। उसी प्रकार सब स्विच को, इंडिकेटर को, फ्यूज को, सॉकेट को लगा लेना है। पहले तो हम लगा के इसको देख लेंगे कहीं टाइट तो नहीं हो रहा। टाइट होगा तो थोड़ा थोड़ा और कटिंग कर लेंगे। इस प्रकार मेरा पूरा लग जाएगा। अब इसको इस बोर्ड में कसने के लिए इसमें होल करेंगे तो पहले पेंसिल से हम दाग लगा लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से सारे में एकदम बिल्कुल सीधे में रखना है। सब में लगा लेंगे। अगर आपके पास छेद करने के लिए कोई चीज़ नहीं है तो कील तो होगा ही, कील से आप कर सकते हैं, इसीलिए हमने कील ही दिखाया है। कील से हल्के हल्के मार लेंगे। और या तो आपके पास टेस्टर हो या तो कोई नुकीला चीज़ हो उससे आप होल को भरा कर लेंगे। ये पतला स्क्रू ड्राइवर को उससे कर लेंगे। करके पहले इसे स्क्रू को लगा के देखेंगे लग जाएगा। बस इस तरह से सबको मैं कस लेना। अगर ऊपर नीचे स्विच हो जाए तो थोड़ा हल्का होल को और बढ़ा लेंगे। जब सारे एक सेट हो जाए तो अच्छी तरह से इसे कस लेंगे। ये हमारा तैयार हो गया। अब भाई इसकी वायरिंग देखते हैं। ये सप्लाई है, ये इन्वर्टर है और बाकी के ये पॉइंट के हैं ब्लैक वायर। देखिए पहले इसके अंदर का कनेक्शन करेंगे इस तरह से। ये हमें पावर सप्लाई देना है प्लस उसकी है ग्रीन वायर। ये यहाँ से इसमें लगेगा, ये
पॉइंट का हो गया, सॉकेट का, ये इंडिकेटर का, न्यूट्रल, ये पॉजिटिव। इस तरह से हम जोड़ लेंगे, पॉइंट को ऊपर वाले में जोड़ेंगे जो बाहर से आया है, उसे डायरेक्ट फ्यूज पे देंगे, उसके बाद एक स्विच पे देंगे, बाकी का देख लीजिए इसी प्रकार करना है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि आने वाले वीडियो आपके तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।